पुलिस ने अवैध रूप से घरेलू गैस टंकियों का संग्रहण करने वालों के खिलाफ धरपकड़ शुरू की है। आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने अवैध संग्रहकर्ता के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 9 घरेलू गैस टंकियां बरामद की। प्रदेश सरकार के निर्देशों के अनुरूप पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान के निर्देशन में ऊन थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम लिखी में पुलिस ने शंकर पिता दशरथ सेन की किराना दुकान पर दबिश देकर मौके से 9 गैस सिलेंडर बरामद किए। वैध दस्तावेज न होने पर आरोपी के खिलाफ सघन धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। जिले के ग्रामीण क्षेत्र में की गई इस कार्यवाही के बाद अवैध रूप से आवश्यक वस्तु संग्रहण करने वाले कारोबारियों में हलचल का माहौल है। देखिए, शासन की मंशानुरूप जो विभिन्न माफिया है उन पर कार्रवाई की जा रही है, उसी के तहत ये मिलावटखोर और खाद्य विभाग की जो टंकियाँ हैं उसके संबंध में एक सूचना प्राप्त हुई थी। तो ग्राम लिखी थाना ओन शंकर सैन, इनके पास कुछ टंकियों की सूचना प्राप्त हुई थी जो कि अवैध रूप से रखी हुई है। शायद उसका कोई अलग उपयोग उनको उनके द्वारा किया जाना था। इसमें से थाना प्रभारी की टीम द्वारा उसमें दबिश देकर जब्ती की कार्रवाई की गई और इसमें आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 327 पे FIR करके विवेचना में लिया है। जी बिल्कुल, इन पे भी कार्रवाई की जाएगी। जैसी भी सूचना प्राप्त होती है उन पे दबिश देकर कार्रवाई की जाएगी। तो आप सभी के माध्यम से सभी से अनुरोध है कि जो व्यावसायिक प्रयोजन के लिए टंकी आती है उन्हीं का उपयोग करें। घरेलू टंकियों को जो घरेलू उपयोग के लिए उन्हीं के लिए रहने दिया जाए, उनका उपयोग न करें।